तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करें क्लासरूम लाइट सीजन 2 के एपिसोड 2 विच स्टार्ट फ्रॉम द क्योर्ट देर आर टू मेन ह्यूमन सिंस फ्रॉम विच ऑल अदर ड्राइव्स इम्पेशेंस एंड इंडोलेंस। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्लास डी के स्टूडेंट कोएंजी से, जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और जो कुशीदा था वो युकिमुरा अके मुझे बता रहा था कि उनकी क्लास की एक लड़की है कुशीदा, उसको ने उसको ईमेल किया था कि वो एक वीआईपी है। और इससे एक बात क्लियर थी कि जो वीआईपीज थे वो सही में इक्वली बढ़ते हर क्लास में, मतलब हर क्लास से 2 वीआईपी थे। तब जो कोएंजी उनके पास आता है उन्हें कहता है कि जो गेम है बहुत बकवास है और इसे 2 दिन तक नहीं जीत सकता। एज उसके अकॉर्डिंग ये बस एक गैस करने की गेम थी कि वीआईपी कौन है। तो अपना फ़ोन निकाल के वो किसी को भी सिलेक्ट करता है अपना एक वीआईपी और भेज देता है स्कूल को, जिसके बाद उसका ग्रुप था जुपिटर, उन्हीं गेम वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इसके जो उनका ग्रुप था क्लास थी क्लास डी, उसे नुकसान होना था, बट फिर भी अयान कोजी के अकॉर्डिंग वो एक डिसीजिव बंदा था। लेकिन सुजन उसे मैसेज करती हैं कि उसने उसे क्यों नहीं रोका और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट उसे कहीं रोक सकता था। तो उसके बाद मिलते हो बाद में और सुजने थी अभी भी उससे गुस्सा आई थी कि उसे रोक क्यों नहीं पाया, बट उसे अयान कोजी कहता है कि उसे अपने ग्रुप पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो इस ग्रुप गेम को जीतने वाली थी तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बताता है कि जो गेम थी इसमें एक ग्रुप तो पहले बाहर हो चुका है और जो हर ग्रुप था वहाँ पर उनका जीतना थोड़ा मुश्किल रहेगा और उन्हें चीज़ करनी है तो उन्हें बहुत से कनेक्शन चाहिए जो उसके पास नहीं थे। तो इसके बाद जो अयान कोजी था वो मांगता सुनने से इन्फॉर्मेशन कायक कुरोजावा के बारे में, क्योंकि जो और उसके क्लासमेट थे अपने ग्रुप में उनके से वो फेयर करता थिंग्स को, बट जो काय थी उससे वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा था। तो उसको शक था उसके ऊपर कि एक वीआईपी है क्योंकि अपना एक्ट नेचुरल नहीं कर रही थी और उसका जो बिहेवियर था उसमें बहुत से चेंजेस थे, बट सुजन के अकॉर्डिंग ये बस टाइम का वेस्टेज है। बट तब कहते अयान कोजी कि जो पीपल थे सबसे पहले जज करते औरों को उनके अपीयरेंस के हिसाब से, फिर उनको जज करते बिहेवियर के अकॉर्डिंग, बट जो चीज़ें थी ये बस सुपरफिशियल थी। क्योंकि जब आपसे लोग मिलते हैं पहली बार वो जो उनका अपने फॉल्स फ्रंट बनाते हैं उनका रियल पर्सनैलिटी थी वो उसे नहीं बताते हैं, जैसा कि वो खुद और सुजने कर रहे थे। और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी काय कुरोजावा थी वो भी ये चीज़ कर रही थी, क्योंकि पहली नज़र में लगती है एक सेल्फ सेंटर्ड और अनकोऑपरेटिव गर्ल, बट फिर भी उसकी जो क्लास में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी क्योंकि वो हमेशा इनिशिएटिव लेती थी चाहे वे कोई भी टास्क हो या फिर कन्वर्सेशन हो। बट फिलहाल के टास्क में उसने उससे ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो इस वजह से उस पर वो शक कर रहा था। तो उसे नहीं पता कि इस गेम को कैसे जीत पाएगी, तो इस गेम को जीतने के लिए बस एक चीज़ थी, वो थी यूनिट उनकी क्लास में जो फिलहाल के लिए उनके पास नहीं थी। तो आपस में उस बात कर रहे थे तभी उनको फिर से इंटरप्रेट करता है अपना क्लास सी का लीडर रुएन, जो कि पूछता सुजने से उसका ओपिनियन वीआईपीज के बारे में, एज खुद वो वीआईपी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बट सुजने के अकॉर्डिंग जो जितनी और क्लासेस थी उसी कोई मदद नहीं करेगी न उसे कोई इन्फॉर्मेशन देगी, बट जो अपनी पर्सनल स्टैंडिंग होती है उसे कोई लेना देना नहीं होता इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से। तो जो रियोन था वो आराम से इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा था और उसके अकॉर्डिंग वो इस गेम को बड़े आराम से जीतने वाला था। और जो सुजने थी इस बात को मजाक मान रही थी, बट जो अयान कोजी था वो इससे सीरियस था कि वो इस गेम को जीत सकता क्योंकि जो अपना स्कूल था वो एक सर्टेन लॉजिक पे चलता था, बट जितने भी टास्क हुए थे उसके पीछे एक सर्टेन लॉजिक था और उस लॉजिक को समझ जाता है तो इस गेम को बड़े आराम से जीत सकता है। रियोन के मुताबिक और उसके क्लास में जो वीआईपी थे उनका उसे पता चल जाएगा तो उसको यूज़ कर पाएगा इस गेम को जीतने के लिए। बड़े सुजने कहती हैं कि उसके अपनी क्लास वाले भी थे वो इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो उसे कभी नहीं पताएगी अपने वीआईपी के नाम के बारे में, बट जो अपना ये रियोन था वो इस तरह का डॉन था अपनी क्लास में तो जितने से क्लासमेट थे उन सबको फोर्स करता अपने फ़ोन देने के लिए, तो वो आराम से देख सकते हैं उनकी ईमेल और उसे पता चल जाए उनमें से वीआईपी कौन था। तो उसकी अब जीत थी वो बस अब टाइम की मोहताज थी। तो प्रपोज होता है सुजने को कि जो क्लास बी थी और क्लास सी और क्लास डी थी उन्हें साथ में काम करना चाहिए और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वीआईपी के बारे में उन्हें आपस में बांट देनी चाहिए ताकि इसे यूज कर सके हो क्लास ए को क्रश करने के लिए। बस सुजने थी ऑफकोर्स रिजेक्ट कर लेती हैं और जो बने थे वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहां पे काय कुरोजावा फिर से बाथरूम में थी और अभी डिप्रेस थी क्योंकि सोच रही थी कि जो बहुत पहले वो मतलब उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था ना उसकी कोई सोशल लाइफ थी और फिर से वो इस फेज में जा रही है।
बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहेगी, चाहे से कुछ भी करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग वो एक पैरासाइट थी जिसे कोई ना कोई चाहिए रिलाई करने के लिए। और जो सीन था यहीं पे एंड हो जाता, बट इसका महत्व आपको आगे पता चल जाएगा। तो उसके बाद सुजने थी वो कहती है अयान कोजी को वहाँ से जाने के लिए, एज वहाँ पर ज़्यादा देर तक रहेगा तो सबको लगेगा कि वो कपल थे, तो वहाँ से उसे भगा देती है। तो जब वहाँ पर डेक पर घूम रहा था उसे मिलती है कुशीदा, तो वहाँ पे वो भी अकेली थी, तो आपस में बात करते हैं। तो वहाँ से वो जा रहा था, बड़े कुशीदा थी उसे रोक लेती हैं और उसे गले लगा देती है। तो इससे जो एयान कोई था बहुत सरप्राइज था, बड़ी शक्ल थी उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। तो एयान कोजी जब शिप के अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है वो कुशीदा और कुरजावा को आपस में बात करते हुए। तो जो काय कुरजावा थी वो हेल्प मांग रही थी कुशीदा से कि जो अपनी क्लास सीखी एक लड़कियाँ थी उसे बहुत परेशान कर रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। और कुशीदा था इस चीज़ को पीसफुली सॉर्ट आउट करना चाहता था जो कि इम्पॉसिबल था। और जो क्लास की लड़कियाँ थी उसे बहुत हेट करती थी क्योंकि उसने उनकी जो फ्रेंड थी रीका उसको धक्का दे दिया था। और स्टिल जो कुरजावा थी वो होप कर रही थी कि कुशीदा था उसे प्रोटेक्ट करेगा, और जो अपना कुशीदा था वो इस चीज़ के लिए रेडी भी था, बट उसके अकॉर्डिंग वो मतलब किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता। और जो काय कुरजावा थी उसके जवाब से थोड़ी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बट इस पे कहता है कुशीदा कि वो एक्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे कोई दिक्कत नहीं थी प्रिटेंड करने में कि वो डेट कर रहे हैं, बट वो हमेशा उसकी साइड नहीं ले सकता। और अब टाइम आ चुका था कि वो इस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन बनाए। तो फिर से जो काय थी उसे मांगती है मदद, और वो कहता है कि उसकी मदद कर लेगा। और जो मनाबे और बाकी लड़की थी ग्रुप सी की वो उनसे पास जाएगा और कहेगा जो अपने काय थी वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। बट जो काय कुरजावा थी उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता। इस पर कुशीदा था उसे कोई रास्ता नहीं था उसकी मदद करने के लिए। तो इस पर जो काय थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मतलब वो चीज़ नहीं कर सकता जो चाहती है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। और उनका रिलेशनशिप था वो अब ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसकी जाते जो एयान कोई था वो वहाँ से बाहर आके पूछता है कुशीदा से कि उनका रिलेशनशिप था उसको तो कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं किया था, मतलब कि उसे पहले से पता था कि उनका रिलेशनशिप था बस एक प्रिटेंड गेम था, क्योंकि जो 4 महीने पहले से रिलेशनशिप में आ गए थे और उसके बाद उनकी डिस्टेंस था वो बस ग्रो हुआ था। क्योंकि जब उनके रिलेशनशिप शुरू हुआ और जो अपनी काय कुरजावा थी इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और उसके अकॉर्डिंग जो एक काय कुरजावा थी ये सब कुछ कर रही थी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कुशीदा था वो एयान कोजी की एनालिटिक स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और उसे क्लियर करता है कि रिलेशनशिप था उसने इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो उसे बताता है उसकी स्टोरी कि जो अपनी एक्ट करती है अभी के लिए उसका वो ट्रू सेल्फ नहीं है, और जो अपने आप को फोर्स करती है टफ करने के लिए वो इतनी टफ नहीं है। क्योंकि जब स्कूल में आई थी उससे 9 साल की पहले उसने स्कूलिंग की थी, वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई थी, और ताकि उस चीज़ को रिपीट ना कर पाए इसलिए मांगती है मत कुशीदा से ताकि उसे हर चीज़ से बचा सके, और इसी वजह से उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद होती है नेक्स्ट दिन जहाँ पे एयान कोई था और डिस्कशन रूम में, और तभी जो अपनी काय कुरजावा थी वही वहाँ पे आती है, और बहुत टाइम के बाद वो दोनों फाइनली अकेले थे। तो पूछते हैं वो एयान कोजी से क्या वो VIP है, और वो डिनाई कर लेता है और कन्वर्सेशन थी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कुछ पूछ रहा था तभी जो अपनी इचिनोज़ी और बच्चे थे ग्रुप के वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वहाँ पर उनकी डिस्कशन थी उसे स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन डिस्कशन से पहले जो काय कुरजावा थी वहाँ से उठ के क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास चली जाती हैं, और इससे एक बात क्लियर थी कि उसने ब्रेकअप किया था कुशीदा के साथ, तो सब कोई नया बना चाहिए था रिलाई करने के लिए, और था माचीदा क्लास ए का। तो उसके उनकी कन्वर्सेशन थी वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है, और कोई भी वहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है। जो इच्छा होती थी बहुत ट्राई करती है कुछ करने का, बट उनका डेडलॉक था वो कोई भी ब्रेक नहीं होता है। और इसके बाद अपनी फोर्थ कन्वर्सेशन थी वो भी इस तरह एंड हो जाती है जैसी क्लास इन्हें प्लान की थी, और वो बिल्कुल साइलेंट थे इन दो डिसीजन के बीच में। तो इसका जो माचीदा उनके और क्लासमेट थे ए वाले वो अपनी क्लास से चले जाते हैं, और जो अपनी काय कुरजावा थी वो भी वहाँ से चली जाती हैं। बच्चा भी ग्रुप सी की लड़कियाँ थी उसका पीछा करती हैं, और जो क्यूकिमिरा और एयान कोई थे उन्हें इस चीज़ से मतलब कुछ गलत आने की मतलब आशंका होती है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं उनका पीछा करने को जस्टिन के साथ कुछ होता है, और वो बिल्कुल सही थे। ऐसा कुछ टाइम के बाद जो मनाबे और बाकी लड़की क्लास सी की
वो ले आती काई कुरजावा को एक काफी जगह पे, जहाँ पे उनसे पूछती है सेम क्वेश्चन, क्या वो लड़कियाँ जिसने धक्का दिया था उनकी क्लासमेट रीका को, बट जो काई कुरजावा थी इसी को डिनाई करती हैं और उनको धमकाती हैं कि वो कंप्लेन करेगी स्कूल के लिए। बट इस चीज़ से जो और वहाँ पर लड़कियाँ थी और बोल्ड हो जाती और कहती हैं और चीज़ करेगी तो वो भी कंप्लेन करेगी कि उसने तो धक्का दिया था रीका को, तो मतलब उससे वह फिजिकली हार्म करना शुरू कर लेते हैं। और उनसे डर के माए जो अपनी कई कुरजावा थी वो एक्सेप्ट करती हैं कि उसने किसी को धक्का दिया था बट उसे याद नहीं है कि उसने किसको दिया था। तो वो जो वहाँ पे लड़कियाँ थी उसे बस कहती है एक चीज़ कि अप्लाइज करने को रीका को, बट जो काई कुरजावा थी इसके लिए नहीं मानती हैं क्योंकि आपने एक और बुली के लिए सरेंडर कर लिया तो आप हमेशा बुली होते रहेंगे। तो इससे वहाँ पर जितनी लड़की थी बहुत ज़्यादा पीस आउट हो जाती है और उसको मतलब फिजिकली हट करना शुरू कर लेती है। तो ये बुलिंग देख के जो युकिमुरा था वो चाहता इंटरफेयर करना ताकि बचा सके वो काय को, बट जो यान कोई था उसे रोक लेता। और जो वहाँ पे लड़कियाँ थी उनकी बुलिंग की वजह से जो काय कुरजावा थी वहाँ पर रोना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद देख के जो यान कोई था बहुत अजीब सा फैशन में वहाँ पर खड़ा हो जाता और जो एपिसोड था वहीं पर एंड हो जाता। और एपिसोड के बीच में एक और सीन दिखता है जहाँ पर टीचर आपस में बात कर रहे थे कि वो इची हो जाती हैं वो ग्रुप मार्च में कैसे आई, तो इसे एक मतलब पता चलती है कि जितने भी टीचर्स थे सब इंटरेस्टेड थे अयान कोजी के ऊपर और इस वजह से जो क्लास बी की टीचर थी उसे वहाँ पे भेज दिया था। और इस एपिसोड में हमें एक और बात पता चलती है वो था काई कुरजावा का पास्ट कि पास्ट में उसे बहुत बुली कर दिया था जिसकी वजह से उसे मैं डर बैठ गया था और जिसकी वजह से उसको एक बना चाहिए तर लाइक करने के लिए। और बीच में एक सीन दिखता है जब उसे लड़कियाँ कहती हैं कि वो माफ़ी मांग लेती हैं तो उसे छोड़ देते हैं, पर इस पर कहती है वो कि वो माफ़ी मांग भी लेती हैं तो उसे नहीं छोड़ने वाले थे। ये हमें दिखाता है कि पास्ट में है, ये सब पहले भी हो चुका था और जो पूरी तरीके उसको मतलब तंग कर ले गए तो हमेशा ये होता रहेगा जिसकी वजह से वहाँ पर माफ़ी नहीं मांगती हैं। और अब बात करें लास्ट सीन के बारे में कि जब वहाँ पर रो रही थी एयान कोजी वहाँ पर इतना अजीब एक्सप्रेशन लेके क्यों खड़ा था, और मेरे अकॉर्डिंग जो यान कोई था वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना चाहता था क्योंकि उसके पास खुद के इमोशन नहीं थे इसलिए स्टडी कर रहा था काई कुरजावा को, इससे रोकता है वो युकिमुरा को उसके पास जाने के लिए ताकि उसके पैशन थे या उसकी फीलिंग थी उसे पता चल पाए। और जो एपिसोड है एक्चुअली यहीं इतनी बात करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सायनारा बाय।